आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि SBI में किस तरीके से हम बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे। चाहे आपका कोई भी बैंक में अकाउंट क्यों ना हो, अब बहुत ही आसान तरीका से SBI में आप बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप SBI में आप बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे। चाहे कोई भी पर्सन का कोई भी बैंक में अकाउंट क्यों ना हो, आप बहुत ही आसान तरीके से SBI में आप बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं और उसको आप 10 लाख रुपए तक का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं उसके अकाउंट में। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझिएगा कि किस तरीके से हम SBI में चाहे कोई भी बैंक का अकाउंट क्यों ना हो, आप बहुत ही इजी तरीक़े से आप SBI में बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. SBI बैंक में बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे SBI डालेंगे नेट बैंकिंग, देखिए यहाँ पे आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन आता है आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे लॉगिन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कस्टमर टू लॉगिन आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से कैप्चा को रिफ्रेश करके कैप्चा डालेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ सब कुछ डालने के बाद यहाँ लॉगिन वाले पर क्लिक करके आप इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे हम नो थैंक्स बोल देते हैं। अब यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आया होगा, यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करके आप इसको लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे हम नो थैंक्स बोल देते हैं। अब यहाँ पे आपका पूरा अकाउंट आ जाता है। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपका अकाउंट कोई भी बैंक में है तो भी आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं SBI में, ठीक है। तो आपका अकाउंट जो भी बैंक में है आप बहुत ही इजीली तरीके से बहुत ही आसानी से आप SBI में बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखें प्रोफाइल पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आप सबमिट वाले पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे। ये प्रोफाइल पासवर्ड है, आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, या ये जो है बैंक की तरफ से भी आपको मिल जाता है। चलिए हम यहाँ सबमिट वाले पे इसको सबमिट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ मैं नो थैंक्स बोल देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि आपका अकाउंट SBI में है तो आप यहाँ से बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं, अगर आप ही का अकाउंट कोई अदर बैंक में है तो आप यहाँ पे अदर बैंक बेनिफिशियरी पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हमको अदर वाले पे क्लिक करते हैं और मैं दूसरा बैंक को ऐड कर लेता हूँ बेनिफिशियरी के तौर पे। तो यहाँ पे अदर बैंक बेनिफिशियरी वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे नाम डालेंगे जो भी बेनिफिशियरी का ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर को दोबारा से यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी का यहाँ पर पूरा एड्रेस डालेंगे, आप इसको नहीं भी डालिएगा तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे जो है अमाउंट, आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर देखिए कि 10 लाख रुपया है तो आप 10 लाख रुपये मैक्सिमम तक आप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ IFSC कोड के द्वारा भी आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं या लोकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बैंक नाम डालेंगे, स्टेट डालेंगे और ब्रांच डालेंगे। चलिए हम IFSC कोड डाल के ही करते हैं, यहाँ ये बहुत ही सिंपल होता है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे और यहाँ पर आपको सबमिट वाले पर क्लिक कर देना है। चलिए हम आपको डाल के दिखा देते हैं लाइव। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे नाम डाल दिया, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर को दोबारा से कन्फर्म कर दिया। यहाँ पे बेनिफिशियरी का पूरा एड्रेस डाल भी सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए कितना तक आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन दे दिए। इसके बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से फिर से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपका पूरा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपका नाम आ गया हैज बीन एडेड सक्सेसफुल्ली और यहाँ पर बेनिफिशरी और यहाँ पर अप्लाइड बेनिफिशरी विथ करंट सेशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो है यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्रूव करना है। तो आपके मोबाइल पर OTP आया होगा, वो OTP डाल के आपको यहाँ पे सबमिट करना है। चलिए हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे अप्रूव ना पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते यहाँ पे जो है अपना प्रोफाइल पासवर्ड पहले डालेंगे, जो भी आपका प्रोफाइल पासवर्ड है। चलिए हम यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल लेते हैं। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आपका ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ से यह दो ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको अप्रूव बेनिफिशियरी मिल जाता है और यहाँ पे अप्रूव लिमिट। तो यहाँ पे अप्रूव बेनिफिशियरी क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिर से दो ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पे ATM पे आपको मंगाना चाहते हैं पासवर्ड, या आप चाहते हैं कि OTP के द्वारा हम करें, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप OTP के द्वारा चाहते हैं तो यहाँ पे OTP वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप ATM से नहीं चाहते हैं तो इसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन देंगे और यहाँ पे जो है आपके मोबाइल पे पासवर्ड आया हुआ, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए मेरे पास आ गया है, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ अप्रूव वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कि आपका यहाँ पे बेनिफिशियरी एड हो गया है। ये तो यहाँ पर देख रहे हैं, यू हैव सक्सेसफुली एडेड ए अप्रूव्ड MD अंजार अहमद। और इस तरीके से आप टाइमिंग भी दे देता है और यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 आवर्स के अंदर अंदर में आपको यहाँ पर जो बेनिफिशियरी एड हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से बेनिफिशियरी ऐड हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड हो गया है और आप भी बहुत ही आसानी से इसी तरीके से आप जो है बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।